तो स्वागत है सबका फिर से एक नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप OBS के जरिए अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे YouTube, Twitch, Facebook, Instagram या कोई भी कस्टम प्लेटफॉर्म जिस पे आपको स्ट्रीम करनी है, यानी कि एक OBS के जरिए आप अलग अलग जगह एक साथ मल्टी स्ट्रीम कर सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। और एक्स्ट्रा आपको रीस्ट्रीम कास्टर या कोई भी अलग से वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। सिंगल एक क्लिक के जरिए आप OBS से ही अलग अलग जगह स्ट्रीम कर सकते हैं। कैसे, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। तो मल्टी स्ट्रीम सेटअप करने के लिए आपको एक प्लगइन चाहिए होगा जिसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड कैसे करना है और इसको एक्टिवेट यानी कि इसको चालू और सेटअप कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो डाउनलोड करने के लिए आप लिंक पे क्लिक करेंगे। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको ये वेबसाइट मिलेगी। इस वेबसाइट पे गो टू डाउनलोड पे आप क्लिक करना है। यहाँ पे आप जाएंगे तो दो तीन आपको ऑप्शन मिलेंगे। आपको सेकंड ये जो exe वाला है, अगर आप विंडोज यूज़ कर रहे हैं तो exe वाला है, और अगर आपके पास मैक है तो आपको zip वाला करना है। ठीक है, यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे exe वाले पे। इसको क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा। अब मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो यहाँ पे इंस्टॉलिंग प्रोसेस नहीं दिखाएगा। ठीक है, आपको इंस्टॉल करना है। इसको क्लिक करेंगे, इंस्टॉल करने का ऑप्शन है। मुझे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मैंने इंस्टॉल कर रखा है। यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक। अभी देखिए नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने इंस्टॉल कर रखा है। आप इसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद OBS आपको ओपन करना है। अब इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन, नया विंडो लग जाएगा यहाँ पे। इनकेस अगर वो विंडो नहीं ओपन होता है, नहीं जुड़ता है, तो डॉक्स वाले प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। यहाँ पे मल्टीपल आउटपुट नाम से एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको एक नया विंडो मिल जाएगा जो जुड़ा हुआ होगा साथ में OBS के। जो भी आपका मेन प्लेटफॉर्म है, जैसे हम किसी भी कभी भी स्ट्रीम करते हो तो हमारा एक मेन प्लेटफॉर्म होगा, जैसे यूट्यूब और ट्विच और फेसबुक तीनों पे कर रहे हैं। मुझे यूट्यूब पे मेन करना है, मेरा जो प्रायोरिटी है वो यूट्यूब है, और फेसबुक और ट्विच सेकेंडरी है। फिर ट्विच मेन है और फेसबुक और यूट्यूब सेकेंडरी है। तो जो हमारा मेन होगा उसको तो हम यहाँ पे सेटअप करेंगे, उसकी सेटिंग्स एंड ऑल सब कुछ। यहाँ पे जो आप सेटिंग करेंगे ना, वही सेटिंग वहाँ पर भी होंगी जो आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे करेंगे। वहाँ पे अलग भी कर सकते हैं पर वहाँ पे हमें अलग सेटिंग नहीं करनी है। यहाँ पे सेटिंग कैसे करना है, यहाँ पे ऐड न्यू टारगेट करेंगे अपने। जैसे अगर मुझे ट्विच करनी है, मैंने ट्विच लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे आपका सर्वर आ जाएगा। अब सर्वर लिंक और सर्वर की, यानी कि आपकी स्ट्रीम की और स्ट्रीम लिंक, दोनों चीज़ आपको आपके प्लेटफॉर्म से ही मिलेंगी। जैसे यूट्यूब की आपको यूट्यूब से मिल जाएगी, ट्विच की ट्विच से मिल जाएगी, फेसबुक की फेसबुक से मिल जाएगी। वो डालने के बाद यहाँ नीचे एनकोडर के जो ऑप्शन आ रहे हैं, इसको मैं प्रेफर करूँगा गेट फ्रॉम OBS का ऑप्शन ही रखना। इसको अलग से दूसरा ऑप्शन मत लगाना। इसको अगर अलग से दूसरा ऑप्शन लगाओगे ना, तो ये देखो नीचे एरर आ रहा है कि आपका और CPU यूसेज ले गई है। तो और CPU यूसेज देने से अच्छा है आप वही सेटिंग रखो जो आपने सब पे रखी है। यहाँ पे देने के बाद आप इसको ओके कर दोगे, स्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करोगे आपका मेन प्लेटफॉर्म पे जाएगा। और भी अगर आपको ऐड करना है तो ऐड करके आप दूसरा, जैसे मैं फेसबुक लिख देता हूँ, FB, और मुझे अगर ऐड करना है इंस्टा, अब यहाँ पे ऐड हो गए तीन। ठीक है, ट्विच, फेसबुक, इंस्टा, और इधर आपका मेन चलेगा यूट्यूब। मुझे कस्टम भी अगर करना है, ठीक है, जितने प्लेटफॉर्म पे मैं करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। इस तरीके से हम OBS के जरिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे एक ही बार में एक ही साथ स्ट्रीम कर सकते हैं। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट में मेंशन करके जरूर पूछना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।